स्त्रियों की ये चार हरकतें बताती हैं कि वे पति को नहीं किसी और को चाहती हैं। मित्रों, आज मैं आपके लिए बड़ी ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर सुने। मित्रों, कंचन भोज नगरी में सुतपा नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी सूरजमुखी नाम की एक सुंदर कन्या थी, जो रूप और यौवन में कामदेव की पत्नी रति के समान थी। सूरजमुखी जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता सुतपा ने चक्रधर नाम के एक व्यापारी के साथ उसका विवाह कर दिया था। पुत्री से अधिक मोह होने के कारण उसने अपनी बेटी को ससुराल में नहीं भेजा, बल्कि अपनी बेटी और दामाद को अपने ही घर पर घर जमाई बनाकर रखने लगा। कहते हैं, माता पिता का अधिक लाड़ प्यार संतान को बिगाड़ भी सकता है। माँ बाप के घर पर रहने के कारण सूरजमुखी उन संस्कारों से वंचित रह गई जो विवाह के बाद लड़की को ससुराल में मिलते हैं। लज्जा शर्म तो उसके अंदर थी ही नहीं, और पिता के घर बेटी को कैसी लाज शर्म। सूरजमुखी का पति सूरजमुखी से बहुत प्रेम करता था, परंतु सूरजमुखी अपने पति को बिल्कुल नहीं चाहती थी। जैसे रोगी को कड़वी दवाएं अप्रिय लगती हैं, उसी प्रकार सूरजमुखी को अपना पति अप्रिय लगता था। उससे बोलना, उसके पास बैठना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और इस प्रकार का व्यवहार यदि पत्नी पति के साथ करे तो पति को समझ लेना चाहिए कि वो उससे प्रेम नहीं करती है, उसके दिल में जरूर किसी और के लिए चाहत है। मित्रों, जो स्त्रियां अपने पति को ना चाहकर पर पुरुषों में आसक्त रहती हैं, उनके ये खास लक्षण होते हैं कि उनका व्यवहार अपने पति के प्रति ठीक नहीं रहता। पति के घर में आने पर जो मुंह फुलाकर बैठ जाए और चले जाने पर खुश हो जाए, तो समझ लेना वो अपने पति को नहीं चाहती है, उसके मन में कोई और रमा हुआ है। जो स्त्री घर में रहकर अकेली रहे, खोई खोई रहे, किसी का हंसना बोलना अच्छा ना लगे, पति से ऐंठ कर बात करे, पति इस कमरे में है तो पत्नी दूसरे कमरे में सोए, तो समझ लेना उसके दिल में पति के लिए कोई प्यार नहीं है। उसका मन रूपी भौंरा किसी अन्य पुरुष के लिए भ्रमण कर रहा है। जो स्त्री पति को संदेह होने पर उससे प्यार से बातें करने लगे, उसे ये जताने का प्रयास करे कि वो उसे बहुत प्यार करती है, तो समझ लेना वो अपने दोस्त को ढांपने का प्रयास कर रही है। जिस स्त्री का अचानक से अपनी संतान से लगाव कम हो जाए, तो समझ लेना उसके मन में कोई और रम रहा है। और कहते भी हैं, इस प्रकार की स्त्रियां चाहे उनका पति रूप गुण धन बल में संपन्न हो, योग्य हो, तो भी उसका मन पर पुरुषों में रमता रहता है। सूरजमुखी भी अपने पति के प्रति ऐसा ही व्यवहार करती थी। पति उसे बार बार मनाने का प्रयास करता था, उसे खुश करने के लिए बाजार से सुंदर सुंदर चीजें खरीद कर लाता था, उसे देखकर उसका मन जीतने का प्रयास करता था। लेकिन बंधु, सूरजमुखी का पति जितना उसके पीछे पीछे घूमकर उसे मनाने का, उसे खुश करने का प्रयास करता था, उतना ही सूरजमुखी उससे दूर दूर भागती थी, उतना ही वो उससे गुस्से में बात करती थी। बेचारा पति कर भी क्या सकता था, जब भी वो उससे कुछ कहने का प्रयास करता, सूरजमुखी अपने पिता के पास पहुंचकर उसे झूठा साचा बोलकर पिता से शिकायत कर देती। बेचारा पति मन मार कर रह जाता था। वो ये चाहता था कि उसकी स्त्री को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, लेकिन सूरजमुखी को पति के कष्ट से कोई मतलब नहीं था। मित्रों, एक दिन की बात, चक्रधर अपने माता पिता को देखने के लिए अपने गांव चला गया और कुछ दिन बाहर रहकर उनकी सेवा करने लगा, उनके काम में हाथ बटाने लगा। मित्रों, इधर सूरजमुखी अपने पिता के घर पर रह रही थी। एक दिन वो अपनी अटारी पर खड़ी थी, अचानक उसकी नजर एक हट्टे कट्टे सुंदर नौजवान युवक पर पड़ी, जिसका नाम श्रीधर था। वह स्त्री उस युवक के सुंदर कठिले बदन पर लालायित हो गई थी। श्रीधर की नजर भी सूरजमुखी पर पहुंच गई, वो भी सूरजमुखी को काफी देर तक निहारता रहा। दोनों की नजरों से नजरें मिली और इशारों ही इशारों में उनकी बात हो गई। और कहते भी हैं,
मनुष्य का यश, स्त्रियों के पेट में बात और नैनों की चंचलता कभी छुपाए नहीं छुपती। श्रीधर सूरजमुखी की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ चला गया। सूरजमुखी, श्रीधर की उस मोहनी मुस्कान पर मर मिट गई थी। श्रीधर ऐसा काम बाण चला गया था जिससे घायल होकर सूरजमुखी दिन रात व्याकुल रहने लगी। उसने भोजन पानी भी त्याग दिया। वो श्रीधर के प्रेम में ऐसी मतवाली हुई कि संसार के सारे सुख उसे फीके लगने लगे। वो उसकी याद में दुबली पतली होती चली गई। प्रेमी से मिलने की उसे ऐसी सनक चढ़ी कि उससे ना मिल पाने के कारण गुस्से में कई बार उसने मरने का प्रयास किया। एक दिन तो वो नगर से बाहर एक देवी के मठ में जाकर विनती करने लगी कि हे माँ, मैं जानती हूँ कि इस जन्म में श्रीधर से मेरा मिलन पति रूप में तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम मुझे ऐसा वरदान दो कि अगले जन्म में श्रीधर ही मेरा पति बने। मित्रों, ऐसा कहने के बाद उसने एक फांसी का फंदा तैयार किया और उस पर लटक कर मर जाना चाहती थी, लेकिन समय रहते उसकी सहेली उसे ढूंढती हुई वहां आ पहुंची और उसे मरने से रोक लिया। सहेली ने पूछा, हे सखी, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मरने का प्रयास कर रही हो? तब सूरजमुखी कहती है, हे आली, श्रीधर का वियोग मुझे दिन रात व्याकुल करता है। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मेरे प्रेमी से मेरा मिलन करा दो। उसकी सहेली बोली, हे बहन, तुम चिंता ना करो, मैं कल श्रीधर से बात करूंगी और तुम्हारा मिलन करा दूंगी। मित्रों, इस प्रकार उसकी सहेली उसे समझा बुझाकर घर बुला लाई और अगले दिन उसकी सहेली श्रीधर के पास गई और बोली, हे भद्र, मैं सूरजमुखी की सहेली हूं, तुमने उस पर जाने कौन सा प्रेम मार चला दिया है। वो दिन रात तुमसे मिलने के लिए छटपटाती रहती है। कई बार तो उसने मरने का प्रयास किया। यदि तुम अतिशीघ्र उससे नहीं मिले तो किसी दिन उसे मरा हुआ पाओगे। प्रिय बंधुओं, तुम्हारे वियोग में वो सूख कर पीली पड़ गई है। प्रिय बंधुओं, सहेली के मुख से सूरजमुखी का हाल सुनकर श्रीधर भी सूरजमुखी से मिलने के लिए बेचैन होने लगा। सहेली ने बताया कि रात में मैं उसे उसके बगीचे में ले आऊंगी, तुम भी वहीं पर आ जाना। मित्रों, इस प्रकार सहेली उससे कहकर चली गई और रात में श्रीधर और सूरजमुखी का मिलन कराने की युक्ति सोचने लगी। उधर श्रीधर भी अपनी प्रिया से मिलने के लिए छटपटाने लगा। जब रात हुई तो श्रीधर सूरजमुखी से मिलने के लिए सज धज कर बगीचे में पहुंच गया। उधर उसकी सहेली सूरजमुखी को लेकर बाग में पहुंची। दोनों एक दूसरे को अपने नजदीक देखकर बेचैन होने लगे। उनकी व्याकुलता और अधिक बढ़ गई। उन्होंने एक दूसरे को गले से लगाया। मिलने की उत्कंठा इतनी बड़ी कि सूरजमुखी की खुशी में हृदय गति रुक गई और उसका प्राणांत हो गया। वो उसकी बाहों से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। मित्रों, प्रेम का पंथ भी बड़ा निराला होता है, जिसका परिणाम अक्सर दुखदायी होता है। सूरजमुखी को अपनी गोद में मरा हुआ पाकर व्याकुलता से श्रीधर ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोनों को मरा हुआ देखकर उसकी सहेली रात भर विलाप करती रही। जब सवेरा हुआ तो ये खबर सूरजमुखी और श्रीधर के परिवार वालों को मिली तो रोते चिल्लाते वे भी बाग में आकर जमा हो गए। उन्हें दुख भी हो रहा था और लज्जा भी आ रही थी। शर्म से सिर झुकाए दोनों के घर वाले चुपचाप बैठे थे। सोचने लगे, अब क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, किसी ने सच कहा है, बुरी स्त्रियां कुल को बिगाड़ने वाली और कष्ट में डालने वाली होती हैं। उधर ये खबर जब सूरजमुखी के पति चक्रधर को मिली तो वो भी बाग में आ गया और अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मरा हुआ देखकर वो अपनी पत्नी के मरने का गम बर्दाश्त ना कर सका। पत्नी में अधिक अनुराग होने के कारण चक्रधर ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। मित्रों, अब आपको कमेंट में ये बताना है कि उन तीनों में सबसे अधिक प्रेम में अंधा कौन था, सूरजमुखी या उसका प्रेमी श्रीधर, या फिर सूरजमुखी का पति चक्रधर? सबसे अधिक कौन किससे प्रेम करता था? मित्रों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपने विचार जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में।
नई वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।